मेरे सारे छोटे बड़े भाइयों ने, जवान चाचे और बूढ़े ताऊ ने, आज हम यूट्यूब पर आए हैं सिर्फ इस बात की मारी, हमारा जो यूथ है वो दसवीं पास करके बारहवीं पास करके अगर नु सोची जा है अगर हमने करना के है तो उसके बारे में हम उन्होंने बतावांगे। अगर हमने आप प्लस टू कर ली तो कौन से फार्म आप खाते लिख रहे हैं, किस चीज की आपने तैयारी करनी चाहिए और किस टाइप का आपने तैयारी करनी चाहिए, कौन सा सिलेबस आओगा, के फार्म निकल रहा है, उसकी के क्वालिफिकेशन है। आज जो बालक है वो खाली नाम सुन ले है, अब बीएसएफ के फार्म निकला है, कागज ठा के दुकान पर पहुंच गया है, ईब उड़ जाके उसने मेरा पाटा है, अब इसका मैं आईटीआई मांग रखी है, 2 साल का डिप्लोमा मांग रखा है, प्लस एक्सपीरियंस मांग रखा है, लेकिन वो चीज ना होने की मारी बालक उड़ जाओ है, उड़ता आकाश हो गए वापिस आ जाए। तो हम आपने इस यूट्यूब का चैनल के माध्यम से आपने जो भी नोटिफिकेशन आओगा उसकी पूरी डिटेल बताओगे आपने, इसका मैं कितनी वैकेंसी है, किस टाइप की वैकेंसी है, इसका मैं के डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपकी हाइट कितनी है, जो भी चीज होगी उसका मैं आपने क्लियरली बताई जाएगी। इब आप ये सोच रहे हो अब यो सिर्फ एक पढ़ाई का माध्यम तय बताओगा, अब भाई के चीज है, कौन से फार्म निकल रहे हैं, इसी कोई बात नहीं है। हम आपने हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से गवर्नमेंट की जो भी स्कीम आऊंगी उस स्कीम के बारे में बताओगे, जो आज के टाइम पर कई परिवार ऐसे हैं जो गरीब हैं और उनका पीला कार्ड नहीं बन रहा, आज भी अपने कागज उठा के दर दर भटक रहे हैं, कदे किसी दुकान पर जाओ है, कदे दादरी जाओ है, कदे बोंद किसी मंडल में जाओ है, फूड ऑफिस के चक्कर काटते हैं, लेकिन उनमें कोई समाधान नहीं हो रहा, क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिल रही आके पीला कार्ड का जो काम है वो किस जगह होगा, उसके में क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, कद ये फार्म ओपन होया करें। तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ये काम कराया करे, इनकी सर्वे होया करे, स्कीम निकलाया करे, उस स्कीम की एक टाइम लिमिट होया करे, उस टाइम लिमिट में आपने फार्म भरना होगा। जब भी इस टाइप की कोई स्कीम आओगी तो हम आपने उस अपने चैनल के माध्यम से आपने उसकी पूरी जानकारी दे देवांगे। जिस तरह ये आयुष्मान कार्ड है, ये आयुष्मान कार्ड जिस भी गरीब परिवार का बना हुआ है या 2010-11 में जो सर्वे हुई थी उसका मैं एक लिस्ट बनी थी उसका आधार पर, और उस लिस्ट का आधार पर हर आदमी का जो एक कार्ड बना था, इस कार्ड के जरिए 5 लाख का आप मुफ्त इलाज हर साल ले सको हो। जिस तरह अपना नजदीकी है चुग, भिवानी में है चुग हॉस्पिटल, इसका कॉन्टेक्ट नंबर है अपने पास, अगर आपके किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम हो जाए है, आपका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, तो ये चुग हॉस्पिटल का कॉन्टेक्ट नंबर है, हम अपने लिंक में प्रोवाइड करवा देंगे, आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, डायरेक्ट एम्बुलेंस आपके घर में 15-20 मिनट के दायरे में पहुंच जाओगी। और भी भिवानी में बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जो आयुष्मान के अंडर माओ है, आयुष्मान के अंडर में अपने रोहतक भी बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइवेट अस्पताल है जो आयुष्मान के अंडर माओ है, उनमें आपका इलाज अगर आपका आयुष्मान कार्ड बन रहा है तो बिल्कुल फ्री करा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक, अगर 5 लाख के ऊपर उसका खर्चा है तो वो आपने खुद देना पड़ेगा। और इसके अलावा आज का टाइम पर जिस बालक ने पिछले साल 10वीं पास करी है उसका तरह अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना निकली हुई है, वो अपना फार्म आके किसी भी सेंटर पर जाके भरवा सके है। और इसका साथ साथ जिस भी गुड़िया ने, जिस भी भाई ने प्लस टू पास करी है उस खातर एएनएम जीएनएम का फार्म ऑनलाइन आज तक शुरू हो गए हैं, तो वो अपना जाके अगर डॉक्टरी लाइन में जाना चाहो हो, एनएम जीएनएम का कोर्स आप करना चाहो हो, तो आप जाके किसी भी नजदीकी सेंटर पे, कंप्यूटर सेंटर हो, सीएससी सेंटर हो, होटल सेवा केंद्र हो, उस पर जाके अपना फार्म आप अप्लाई करवा सको हो। आज के लिए नमस्कार, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।